राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चंद्र कुमारी ललितपुर नेपाल से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पतिदेव श्री कृष्ण जी का नाम जप करते हैं, दीक्षा नहीं लिया है। वे सुबह घर से मंदिर में पूजा भी करते हैं, श्री विग्रह मूर्ति को अभिमंत्रित नहीं किया गया है। पूजा के बाद राधा कृष्ण श्री विग्रह को बिना छुए दूर बैठकर ही दोनों के पांवों को दबाकर सेवा भाव करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पुरुष को इस तरह राधा जी के चरण दबाना चाहिए? वे राधा जी को राधा माता कहकर पांव दबाने का भाव करते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भाव के अनुसार ही भक्ति होती है। सामान्य जो अधिकार की बात होती है उससे विशिष्ट हो जाता अधिकार प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, भाव के कारण। वैसे सामान्यतया पुरुषों को देवी माता के चरण नहीं दबाने चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन यदि किसी ने माँ माना है तो उनके चरण के निचले हिस्से को बहुत आदर भाव के साथ स्पर्श कर सकते हैं। और सेवा करने वाली बात जो होती है वो सखियों की होती है। सखी जो होती है, जैसे राधा रानी की सखियां जो हैं, तो सखियां जो ही जो हैं वही सेवा करती हैं। सखियां ही सेवा करती हैं। भगवान कृष्ण भी भाव के अधिकता के कारण करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को चरण सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। या तो सखी करती हैं या स्वयं प्रभु करते हैं। तो चरणों में पुष्प अर्पण करना या स्पर्श करना, प्रणाम करना, इतना तक तो चल जाएगा, लेकिन चरण सेवा तो ठाकुर जी की करिए। आप किंकरी भाव, यदि आपका सहचरी भाव सही है, सहचरी भाव की प्रतिष्ठा आपके अंदर है, तो वह अधिकार राधा रानी की कृपा से मिल सकता है। किंतु बिना उनकी कृपा के अधिकार सब किसी को नहीं मिल सकता है। हाँ, माता का भाव आप बनाइए या पुत्री का भाव बनाइए तो आप उनकी उपासना कर सकते हैं। अन्यथा युगल की उपासना करनी चाहिए राधा कृष्ण की। केवल कृष्ण के प्रति बाल भाव जैसे होता है वात्सल्य भाव, या राधा रानी छोटी सी हैं वात्सल्य भाव, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वात्सल्य भाव में भी बहुत पवित्रता चाहिए, इसको समझ बूझ करके ही गुरु के मार्गदर्शन में आगे चलना चाहिए। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं कुसुम मेरठ से, मेरा प्रश्न है, अपने देवते के लिए मेरी बिटिया वृंदावन से जुड़ गए हैं, आपको और प्रेमानंद जी को सुनते हैं, मेरी बेटी ने भी दीक्षा नहीं ली है। वे अपने बेटे की शिखा रखी है, अब जनेऊ संस्कार कराने को वह कह रही है। बच्चा 11 साल का है, नाम जप करता है, रामायण गीता आदि का पाठ करता है, मगर गुरु जी स्कूल में शिखा को लेकर बच्चे हंसी उड़ाते हैं। क्या शिखा रखना जरूरी है? ठाकुर जी का होने के लिए और जनेऊ धारण में भी नियम है, हमारा मार्गदर्शन करें, या केवल ये केवल कर्मकांड है या इसे रखना जरूरी होता है? श्री राधे राधे। राधे राधे। देखो भाई, वातावरण जैसा होता वैसा प्रभाव पड़ता है। यहाँ श्री वृंदावन धाम में जो विद्यार्थी हैं तो बड़ी मोटी मोटी चोटियां रखते हैं और कोई हंसी नहीं उड़ाता उनकी। लेकिन वृंदावन वाला माहौल हर जगह तो है नहीं। अब जहां पर पाश्चात्य शिक्षा ही केवल दी जा रही, धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जा रही, न वातावरण भक्ति का है, तो वहां चोटी रखने वाले का उपहास करते हैं लोग। तो उससे अच्छा ये है कि भक्ति खूब करो, चोटी रखोगे तो रोजाना प्रतिकूलता झेलते रहोगे। अरे छोटी सी ही रख लो, छोटा बच्चा है उसकी पढ़ाई में बाधा क्यों पड़े? छोटी सी चोटी रख लो, और या तो उसको ढक कर के रखो। रोजाना बच्चा झगड़ा कहाँ तक करे? मैं नहीं रख कह रहा हूं कि चोटी नहीं रखो,
चोटी रखो, लेकिन इतना झगड़ा जहां होता हो कि पढ़ाई लिखाई भक्ति सब में बाधा पड़े, तो प्रदर्शन कम हो और भक्ति भगवान की ज्यादा हो, वो ज्यादा फायदे की बात है। श्री राधे राधे। श्री राधे गुरु जी प्रणाम। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, मैं नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। प्रश्न है, पूज्य भाई जी ने किसी को गोपी भाव की विशेषता बताते हुए लिखा है कि गोपियां राधा माधव के आपस में विहार से ही सुख का अनुभव करती थी, स्वयं श्री कृष्ण के साथ विहार नहीं करना चाहती थी। उनके मन में यह रहता था कि राधा माधव से और माधव राधा से सुख का अनुभव करते रहें। पर गुरु जी, हम इससे प्रसन्न कि युगल सदा मिले रहे और ये निकुंज और निवृत्त निकुंज में सहचरी और मंजरी का भाव होता है, अगर हम भी ऐसा ही सोचेंगे तो हमारा कांता और प्रेसी भाव कहाँ जाएगा। और पूज्य भाई जी के राधा माधव चिंतन ग्रंथ में यह लिखा है कि गोपियों का काम श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसे पूर्ण करके पूर्ण रूप से देखना, इसी में उनकी चरम तृप्ति है। यह रहस्य तभी खुलता है जब भक्त इस दिव्य लीला राज में प्रवेश करते हैं। यह सब पढ़कर मन दुखी होता है। इतना बड़ा त्याग मुझसे नहीं होगा, न करना चाहती हूँ। यह सब बहुत अच्छे और उच्च कोटि के भाव हैं, लेकिन मेरी रुचि तो उनको कांता भाव में पाने की ही है। और यह स्वसुख तत्व सुख की बात आ जाती है किसी से पूछने पर। यदि व्रज में गोपियां इतना महान त्याग का भाव ही रखती हैं कि अपने प्रीतम के सुख के लिए राधा कृष्ण को ही मिलाती हैं, तो क्या मुझे द्वारिका में उनकी पत्नी होने का भाव करना उचित रहेगा? क्योंकि मैं तो कांता भाव में ही रुचि रखती हूँ, सखी मंजरी सहचारी आदि में नहीं। भले स्वार्थ हो इसमें, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी में वृंदावन की लीला का वर्णन है और भागवत जी में लिखा हुआ महाराज का प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया है, व्यास जी भगवान ने लिखवाया है, जिसमें वर्णन है कि जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे और सब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण, हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे और सबको स्पर्श कर रहे थे, सबको पूर्ण कृपा के साथ आलिंगन प्रदान किया है और बहुत प्रकार से सुख दिया है। अब वो पूरा बताने का ठीक नहीं लगता है क्योंकि ये यूट्यूब में अधिकारी अनधिकारी सभी लोग सुनते हैं, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। आप महाराज का प्रसंग रास पंचाध्यायी जो है भागवत जी के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णित है, उसको आप सुनिए पढ़िए, फिर आप देखिए भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में कब ऐसा किए हैं कि नहीं, कृपा सबके ऊपर किए, सब गोपियों के ऊपर बराबर कृपा किया प्रभु ने, सभी गोपियों के ऊपर बराबर कृपा किया है। इसलिए आप कांता भाव वृंदावन में भी अपना रख सकती हैं। सहचरी भाव भी है, लेकिन सहचरी भाव के अलावा कांता भाव भी रहा। जैसे मीराबाई 25 साल वृंदावन में रही, अब मीराबाई का तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो वो तो पति साफ कहते हैं कि मेरे प्रभु हैं भगवान कृष्ण, वो हमारे पति हैं, दूसरा कोई नहीं, वही पति हैं। अब वृंदावन में रहती थी 25 वर्ष तक रही मीराबाई, आज भी उनका मंदिर है और जहाँ तप किया वो जगह वृंदावन में है। और आली महिलागे वृंदावन नीको, ये उन्होंने वर्णन भी किया है मीराबाई ने, वृंदावन में रहती थी और वृंदावन अच्छा लगता था और उनको पति के रूप में प्रियतम के रूप में भगवान कृष्ण मिलते थे। तो भगवान आपके भाव के अनुसार ही लीला करते हैं। आप प्रभु को अपना पति अर्थात प्रियतम मानेंगे तो उस भाव से आपसे मिलेंगे, और सहचरी भाव से राधा रानी से जुड़ेंगे तो उस भाव से आपसे मिलेंगे। तो भाव के अनुसार ही भगवान भक्त से मिलते हैं। तो आपको वृंदावन में रहने का पूरा अधिकार है और यहाँ सहचरी भाव भी चलता है और कांता भाव भी चलता है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। मेरा नाम नवनीत कुमार मिश्रा है और मैं रांची झारखंड से हूँ। हरिओम तत्सत।
हे ब्राह्मण देव, आपसे मेरा दो प्रश्न था। प्रथम प्रश्न, अगर काशी का कोतवाल काल भैरव है तो काशी की रक्षा क्यों नहीं हो रहा है? आज मल्लिक्ष उस धरती पर रहकर गौ मांस भक्षण कर रहे हैं और ब्राह्मणों का रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्यों? श्री राधे राधे कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे भाई, ये देवी देवताओं की बात जो है ये पूरा पूरा तो कोई जान नहीं सकता है। और मैं तो यही कहूंगा, जब उनके ऊपर आपकी श्रद्धा होगी, निष्ठा शुद्ध होगी, आप उनके भक्त होंगे तो आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान ने भी गीता जी में 9वें अध्याय में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का भार वहन करने की बात भगवान ने कही 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में, लेकिन किसके लिए कहा है? सबके लिए नहीं कहा है। जो अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करते हैं उनके लिए कहा है। ऐसे ही काशी जी में आप रहते हो तो काशी जी में भगवान विश्वनाथ और विश्वनाथ जी के जो पार्षद हैं उनके प्रति, मुख्य रूप से भगवान विश्वनाथ शिव जी के प्रति अनन्य भाव से आपका प्रेम हो तो या तो शिव जी स्वयं रक्षा करेंगे या कोतवाल काल भैरव से रक्षा कराएंगे, वो उनकी इच्छा पर है। लेकिन अनन्य भाव से आप उनका चिंतन करें तभी तो होगा। तो आप अपनी भक्ति को पहले महान बनाइए, शुद्ध बनाइए, उच्च कोटि की भक्ति बनाइए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा प्रेम से आप जुड़िए तो आपकी रक्षा करने के लिए देवी देवता पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत आगे बढ़ करके आपके पास आ जाएंगे और रक्षा करते हैं। जो उनका हो चुका उनकी रक्षा करते हैं। अब आप कहो कि सबको दंड दें, सबकी रक्षा करें, जितने गड़बड़ लोग हैं सबको दंड दें, तो ये गवर्नमेंट काहे के लिए फिर बनी? सरकार जो बनाई गई ये भी भगवान की इच्छा से ही तो बनती है, भगवान की इच्छा से ही सरकार बनती है। तो सरकार का काम ये सब है, सरकार का काम सरकार करती है, देवी देवता का कार्य जहाँ वहाँ देवी देवता कार्य करते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न, गुरु जी, अगर श्री भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म है तो महाभारत का युद्ध रोकने वाले असमर्थ क्यों हुए, ऐसा बोलकर कि ये सब विधि का विधान के अनुसार हो रहा है? तो ये विधि कौन है जो विधान बना रहे हैं? और अगर भगवान श्री कृष्ण विधान बना रहे हैं तो अपने ही नियम के सामने मजबूर क्यों हुए? मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हरिओम तत्सत। श्री राधे राधे। भगवान मजबूर हुए नहीं, कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान मजबूर हो गए। अरे भगवान ने तो पहले ही कह दिया था, कालोस्म लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् ह प्रवृत्त ऋते विद्वान् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकुरेषु योधा। भगवान गीता अध्याय का 11वां अध्याय पढ़े आप गीता जी में, वहां भगवान से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कौन है इतना भयंकर रूप धारण किए? बोले मैं स्वयं काल हूँ और उन सबको खाने के लिए आया हूँ। प्रत्यनी केशु, जो प्रतिपक्ष के योद्धा हैं ये बचेंगे नहीं, चाहे तू लड़ चाहे मत लड़, ये सब मर जाएंगे। मैं तुझको यश देना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं लड़ ले, और तू नहीं लड़ेगा तब भी ये मर जाएंगे। अब मैं तुझको यश प्रदान करने के लिए आगे करना चाहता हूं। भगवान तो लड़ाई किए भी नहीं, वो तो केवल रथ हाँकते रहे और फिर भी सब कार्य कर दिए। तो भगवान मजबूर नहीं है, भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, ये महाभारत में करके दिखा दिया, और युद्ध के पहले ही दिखा दिया था, बाद में युद्ध करके दिखाया। श्री राधे राधे। दासी श्री निधि भोपाल से हूँ। प्रश्न है, आपका सत्संग नित्य सुनने से हमें बहुत लाभ होता है, बहुत आनंद आता है और ठाकुर जी की लीलाएं भी स्फुट होती है। मेरा यह प्रश्न है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, सामान्य विषय में तो कम ही आता है, पर किसी को भगवत या भागवत अपचार या अपराध करते हुए देखते समय बहुत क्रोध आता है। बाबा जी, इतना क्रोध आता है कि सर फटने लगता है, पर इस दुविधा में पड़ जाती हूँ कि मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ। कई बार प्यार से समझने की कोशिश करने के बाद भी काम नहीं बनता है, और मौन रखने से भी काम नहीं होता है, और यह अपराध देखते देखते मन बहुत दुख पैदा होता है,
और क्रोध से हाल बेहाल हो जाता है। यह क्रोध भी गलत है, जानते हुए भी मैं इस पर काबू नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए समाधान बताएं बाबा जी, आपकी बहुत आभारी रहूंगी, आपकी दासी श्री राधे राधे। राधे राधे। यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हानि किसकी होगी, पहले विचार कर लो। जिन लोगों का सुधार आप करना चाहती हैं वो तो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, और आपका ब्रेन, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट जो बढ़िया भी है वो यूं खराब होने लग जाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा। डॉक्टर बहुत सारी बीमारी बता देंगे और आखिर में डॉक्टर लोग ही कहेंगे कि गुस्सा करना बंद कर दो और इन लोगों को कुछ मत देखो, जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम अपना काम करो। फिर आपको हार मान करके चुप होना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही शांति मान लो आप। और इन सबको सुधारना मुश्किल है, जिनके लिए आपको इतना गुस्सा आता है उनका सुधार करना असंभव है। आप अपना ही सुधार करो। अपना सुधार ये करना है कि ऐसे टाइम पर एकांत में जाकर चुपचाप भजन किया करो। उनके सुधारने के लिए गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप जब देखो वातावरण ऐसा दूषित हो रहा है कि सबको गलत काम कर रहे हैं, तो उनका सही काम कराना आपके बस का नहीं है। उनकी प्रकृति वही, प्रकृति स्वाम निरक्षति, 18वें अध्याय भगवान ने कहा प्रकृति जीव को बस में डाल करके काम कराती है। अर्जुन युद्ध तो नहीं करना चाहता है ना, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी प्रकृति ऐसी है कि धर्म की रक्षा के लिए आखिरी टाइम में तो युद्ध करेगा। जब तेरे भाइयों को बाण लगेंगे और असत्य वाले अधर्म वाले जीतने लगेंगे तब तू सब भूल जाएगा, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं पहले से समझा रहा हूं, भगवान ने कहा युद्ध करना जरूरी है तुमको। ऐसे ही आप कोई युद्ध में नहीं हो कि आपको युद्ध करना जरूरी है। प्रश्नकर्ता को मैं कह रहा हूं, आप परिवार में हो, आपका संयम आप ऐसे समझिए जैसे महात्मा गांधी की तरह से शांति पक्ष को ग्रहण करो। सुभाष चंद्र बोस वाला पक्ष आप मत लो, अभी महात्मा गांधी वाले पक्ष में चलो, आप शांति के पक्ष में असहयोग कर दो, उनका साथ मत दो। जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं उनका साथ मत दो, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। और ये मान लो कि इन लोगों की प्रकृति, इनका नेचर, इनके कर्म बिगड़े हुए हैं, उनका सुधार मुझसे नहीं होगा। और यथवा ये मान लो कि भगवान की माया है, भगवान अपनी माया के अनुसार इनको घुमा रहे हैं, मायापति का काम मायापति ही करेंगे, सामान्य मनुष्य के बस का नहीं। इसलिए भगवान को प्रणाम करके, माया को प्रणाम करके हाथ जोड़ कर कह दो प्रभु ठीक है आप जानो, आपका काम जाने, हम तो सुधार नहीं सकते इनको, हम तो आपका नाम जप सकते हैं, आपका ध्यान जप पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा बोल करके बस भगवान के भजन में लग जाओ। वो सुधरने वाले नहीं है, आपको बिगाड़ देंगे, आपका स्वास्थ्य खराब कर देंगे, आपका ब्लड प्रेशर खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके हार्ट में परेशानी हो जाएगी, ब्रेन में परेशानी हो जाएगी, फिर आपको कहाँ करोगे, बिल्कुल बाद में आप कहोगे कि तो बड़ा गलत हो गया। इसलिए पहले से ही शांति पक्ष को ग्रहण करो, क्रोध वाले पक्ष को, हठ पूर्वक सुधारने के पक्ष को छोड़ दो, आप अपने को ही भक्ति में लगाओ। राधे राधे। सचिन चौहान पुणे महाराष्ट्र से हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्न है, हमारी बहन ने हार्ट अटैक की दवाई बनाई है और उसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का खूब प्रयास कर रही है सन 2006 से, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार ने 2011 में उत्कृष्ट खोज का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। दिक्कत यह है कि दवाई लेने वाले को हार्ट अटैक नहीं आता और जिन्हें आया है वह दवाई के सेवन से बिना ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं। हमारे आसपास कई लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं और हम बस एक्सपायरी होने पर दवाई फेंक रहे हैं। हार्ट अस्पतालों का जो सिस्टम बन रखा है वह फैलावट होने नहीं दे रहा है, या प्रभु की कोई और इच्छा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव श्री राधे राधे। जब इस प्रकार के कार्य में पूर्ण प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो भक्ति की तरफ झुक जाना चाहिए। आप मेडिसिन वाला उद्योग दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो,
जब आपकी दवाइयां सब एक्सपायर होकर फेंकी जा रही हैं, आपका पैसा भी नष्ट हो रहा है, तो उससे अच्छा दवाई का उद्योग दूसरे ढंग से कर लो, जहां आपको घाटा भी ना हो, शांति से काम हो जाए और भगवान की भक्ति में लगो। जिस कार्य में आपको समझ में आ गया कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी, तो उसमें हठ पूर्वक अपने हानि करने से कोई लाभ नहीं। आप बस प्रभु की भक्ति में और अपनी रोजी रोटी सामान्य तरीके से हो जाए, जिसमें नुकसान ज्यादा ना हो, ऐसे करो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की।